हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल जय सुरांशु। भाई, इस वीडियो में हम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रोटेशन का, जिसमें हम एक लेंथी मेथड अप्रोच यूज़ करते हैं। इसमें मैं एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, उसको यूज़ करोगे तो भाई मेंस और एडवांस में सब पार्ट्स में जो भी एक आंसर आएगा उसमें आप लिख पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है जो अभी वी नॉट से मूव कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वी अपॉन टू आर। वी नॉट अपॉन टू आर कितनी है? वी नॉट अपॉन टू आर, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया है कि वो वेलोसिटी बताओ, जब वो वेलोसिटी बताओ स्फीयर की जब ये प्योर रोलिंग करने लगेगा। और यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है, प्लैंक पर मानना, ये ग्राउंड मान रखा है, रफ ग्राउंड, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है भाई, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लगते हैं एट द टाइम व्हेन वी हैव अचीव्ड व्हाट प्योर रोलिंग। उसके बाद वी अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद ओमेगा को लिखते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दो तीन इक्वेशन सॉल्व होती है भाई, ये नहीं करना है। अब जो करना है वो बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना भाई। हमें पता है कि अगर हमें दो एक इक्वेशन बनानी है तो हमें कहीं ना कहीं कंजर्वेशन तो लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं कंजर्वेशन यहाँ पे लगा दूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी फोर्सेज हैं, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी वी नॉट ज़्यादा है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वी नॉट अपॉन टू आर वो कम है भाई, तो फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट, अगर ये पॉइंट ओ मान लूँ या ओ डैश मान लूँ, तो इस पर अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा भाई, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ से पास हो रही है वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी, फ्रिक्शन नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा। तो भाई इसी पॉइंट को कर लेते हैं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रख देते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर अबाउट विच पॉइंट ओ डैश। तो इनिशियल कितना होता है? इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, तो एक तो होता है सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास आई नॉट ओमेगा प्लस अबाउट एम आर क्रॉस वी एंड आर क्रॉस वी। तो यहाँ पे आर और वी में 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया आर और वी नॉट कर लेते हैं। तो पहले से सॉल्व करते हैं, ये कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस, क्योंकि वो 90 है तो सीधा सीधा कितना आएगा एम आर वी या एम वी आर, ठीक है। अभी मैं फाइनल नहीं लिख रहा हूँ भाई, है ना, इधर मैंने फाइनल नहीं लिखा है। तो करते हैं, अच्छा जो ओमेगा नॉट दे रखा है हमें एम आर स्क्वायर, वो हमें दे रखा है वी नॉट अपॉन टू आर, और ये है एम, हाँ भाई दिख रहा है ना, एम वी नॉट आर, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, आर से आर कट गया तो ये आ जाएगा लगभग, आर से आर कट गया तो आ जाएगा 6 एम वी नॉट आर अपॉन 5, ठीक है। ये आ गया हमारा इनिशियल, अब फाइनल लगाते हैं। अच्छा, फाइनल में हमने वेलोसिटी मान लिया कि भाई उसकी वेलोसिटी वी हो गई है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, पर क्योंकि प्योर रोलिंग है तो हम वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा। वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा, ठीक है भाई, थोड़ा राइटिंग देख लेना, ठीक है। तो दोबारा से लगाएंगे आई ओमेगा प्लस एम आर ओमेगा, दोबारा से 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर वी, है ना, तो कितना जाएगा आर ओमेगा, ओ सॉरी एम वी आर, है ना, तो एम वी आर ही रखते हैं एम वी आर, ठीक है। फिर दोबारा से ओमेगा क्या होता है? वी अपॉन आर, और ये हमारा क्या है? एम वी आर। तो आर से आर कट गया तो ये आ जाएगा हमारा 7/5 एम वी आर। तो एम और आर तो कट जाएंगे, एम और आर, 5 से 5 कट गया, तो जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है 6/7 वी। तो देखो, अभी एक ही क्वेश्चन लगाई उसी में हमने सॉल्व कर लिया, तो इस तरह से भाई सॉल्व करना है क्वेश्चन।